ओके तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो ओप्पो के स्मार्टफोन्स हुआ करते हैं अक्सर जो होते हैं वो होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव। यहाँ पर ओप्पो F7 फॉर एग्जांपल आप लीजिए, यहाँ पर 22,000 रुपये आप खर्चा करते हैं और 22,000 लाइक आपको स्पेसिफिकेशन आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात चल रही है ऑफलाइन मार्केटिंग की, लेकिन अब बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की। यहाँ पर ओप्पो जो है ऑनलाइन मार्केट्स में पहुँच चुका है, पहुँचने ही वाला है या कुछ भी कहिए, लेकिन यहाँ पर जो ओप्पो का सब ब्रांड है रियलमी, उसका रियलमी 1 स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च हो चुका है। और यार कोई डाउट नहीं है, फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर जो प्राइस रखी गई ना, उस हिसाब से जो फ़ोन में मिलता है सब कुछ वो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फ़ीचर्स ऐसे हैं जो फालतू के डाल दिए गए हैं, और उनकी जगह हम जो है कुछ खास फीचर्स जो कि इसमें मिसिंग है वो डाल देते तो ज़्यादा बेहतरीन रहता, ज़्यादा बेहतर रहता। और जो फीचर्स हैं वो आपको एक्चुअल में नहीं मिलते, हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम जो है उन फीचर्स को हटा के दूसरे फीचर्स को लगा लेंगे। तो यहाँ पर सोचना भी पड़ता है कि आपको ये फ़ोन एक्चुअल में ख़रीदना है या नहीं। खैर वो तो आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चल ही जाएगा, आप जो है डिसाइड कर पाएंगे आई होप वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस वीडियो में लास्ट तक, मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर जो ओप्पो का सब ब्रांड है रियलमी, उसका रियलमी 1 स्मार्टफोन है जिसके स्पेसिफिकेशन तो डेफिनेटली आपको पता ही होंगे। यहाँ पर 3GB 32GB वाला वेरिएंट है, 4GB 64GB वाला, 6GB 128GB, जिसकी प्राइसिंग जो है आपको तीनों की वो मिलती है 9,000, 11,000 और 13,000 रुपये। और जो प्रोसेसर है वो है यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो P60। यहाँ पर मीडियाटेक का नाम समझकर आप जो है इसे धोखा मत खाइए, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो प्रोसेसर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको मिलता है 2.0 GHz का क्लॉक प्रोसेसर जो कि आपको नियरली स्नैपड्रैगन 660 के आसपास आपको परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 636 तो आराम से कंप्लीट कर देगा। यहाँ पर GPU परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। यहाँ पर जो है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी इस प्रोसेसर में यूज़ की गई, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ पर जो है आपको 3400 mAh की बैटरी तीनों ही वेरिएंट्स में सेम देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैटरी मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर हो सकता है ये बैटरी मैनेजमेंट आपको Xiaomi के 4000 mAh की बैटरी के बराबर मिले, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप फ़ोन की लुक्स की बात करें तो लुक्स भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन फाइबर का जो है वो यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर मे बी ये ड्यूरेबल ना हो, लेकिन कार्बन फाइबर एक्चुअली काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, तो मेरे हिसाब से यार गिरने पर नहीं टूटेगा। और यहाँ पर बैक में डायमंड कट वाली फिनिश मिलती है जो कि देखने में बहुत ही बड़ी अच्छी लगती है। हालांकि मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता ये, मैं प्लेन बैक ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ें पसंद है। फ्लैश में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होती है तो अच्छी लगती हैं, ठीक अच्छी बात है। काफ़ी अच्छे एंगल से आपको लाइट रिफ्लेक्ट करके बहुत अच्छी तरीके से देता है फ़ोन, काफ़ी अच्छा लगेगा बैक से। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप पूरे फ़ोन के में कहीं भी नज़र घुमा लें, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर 2080 में या फिर आप स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर देना तो यार बहुत मतलब ना देना अजीब सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर हर एक फ़ोन में आपको मिलता है और आई थिंक सबको यार फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करने की ज़्यादा आदत है इंस्टेड ऑफ वो अगर फेशियल रिकॉग्निशन को यूज़ करें। हालांकि फेशियल रिकॉग्निशन में यहाँ पर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाने वाला है ये लोग P60 प्रोसेसर के थ्रू, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्विक है फेशियल रिकॉग्निशन। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें लो लाइटिंग कंडीशन में, तो यहाँ पर सिर्फ फ्रंट में मिलता है एक 8 MP का कैमरा, तो यहाँ पर मे बी रात में या अंधेरे में या फिर लो लाइट में आपको ये ना पहचाने तो वहाँ पर आपको पिन या फिर पैटर्न पासवर्ड को ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक हो सकता है ड्रॉबैक हो। लेकिन 9,000 रुपये में यार थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर एटलीस्ट आपको एक थोड़े हायर वेरिएंट्स में देना चाहिए था, या फिर फेशियल रिकॉग्निशन आप 9,000 वाले में से निकाल देते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर एटलीस्ट तीनों में देना चाहिए था तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। फिंगरप्रिंट सेंसर को यार बाकी में लोग मिस करेंगे, आप मिस करेंगे या नहीं करेंगे इस फोन में डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आगे बात करते हैं यहाँ पर कैमरा, तो यहाँ पर जो 13 MP का रियर में कैमरा है, 8 MP का फ्रंट में है, 13 MP का रियर कैमरा वो सिंगल ही है। हालांकि यहाँ पर जो 13,000 में या फिर आप 11,000 में रुपए खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर रियर में डुअल कैमरा सेटअप प्रोवाइड कराने वाले फोन्स भी अवेलेबल है, जो कि Xiaomi का Redmi Note 5 Pro है, यहाँ पर Asus का Zenfone Max Pro M1 है, जो कि आपको रियर में डुअल कैमरा सेटअप प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पर काम में ली जाती है पोर्ट्रेट शॉट या फिर बोके इफेक्ट वाले शॉट्स को क्लिक करने के लिए, जो कि आई थिंक काम करेगा, ठीक ठाक काम करेगा, लेकिन डुअल कैमराज होना थोड़ा ठीक रहता है। 9,000 वाले में नहीं, लेकिन यहाँ पर 11,000 वाले में भी नहीं, चलो कम से कम 6 GB रैम वाले वेरिएंट था उसमें दे देते। हालांकि यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है 4 GB वाले वेरिएंट में भी डुअल कैमरा सेटअप को, तो वो थोड़ा ड्रॉबैक, ये दो चीज़ें जो हैं वो फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर नहीं मिले हमें
जो कि यार हर कोई एक्सपेक्ट करता है एक स्मार्टफोन से, अगर आप वो खर्च कर रहा है 11,000 रुपये या 13,000 रुपये, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें तो यार एक कंज्यूमर जो है डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेगा कि हमारे स्मार्टफोन में मिले एक फिंगरप्रिंट सेंसर और एक डुअल कैमरा सेटअप बैक में। हालांकि यह परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा बुरी नहीं रहने वाली है, यहाँ पर कैमरा सैंपल्स काफ़ी ठीक ठाक आपको मिलेंगे अगर आप इससे क्लिक करेंगे। बाकी ये दो फीचर्स ही थे जो कि आपको इसमें नहीं मिलते हैं, जिसके वो देखते हुए आपको शायद डिसीजन लेना चाहिए कि आपको ये फ़ोन ख़रीदना है या नहीं। बाकी मैं ये कहूँगा 9,000, अगर आपके पास टाइट बजट है तो डेफिनेटली यार हेल येस कि आप जो है 9,000 वाले वेरिएंट को पकड़ लें, क्योंकि यहाँ पर जो 9,000 वाले वेरिएंट में आपको हीलियो P60 की जो परफॉर्मेंस मिलेगी ना वो कोई और फ़ोन नहीं दे सकता। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगी, यहाँ पर जो कैमरास जो परफॉर्म करेंगे 9,000 वाले में वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अपने रेंज में, अपनी प्राइस रेंज में इतना बढ़िया फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। हालांकि 11,000 और 13,000 वाला मैं कहूँगा यार थोड़ा मतलब और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन 9,000 वाले में ओप्पो जस्ट नेल्ड इट। तो फ्रेंड्स यार यही थे मेरे व्यूज़ इस फ़ोन के बारे में। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है, आपको इस फ़ोन में क्या ठीक लगा क्या नहीं लगा, क्या फीचर्स इसमें से हटा के आप कौन सा फीचर इसमें डालते। मेरा भी आपसे यही क्वेश्चन है कि कौन सा फीचर हटाएंगे और कौन सा इसमें लगाएंगे। अगर आपको मान लीजिए, आप सपोज़ करिए अगर आपके पास ये चीज़ आपको ये पावर मिल गई कि आप जो है इसमें से एक चीज़ फीचर हटा के आप दूसरा लगा सकते हैं, तो कौन सा इस फ़ोन में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है नियरली परफेक्ट स्मार्टफोन है जो है आपको बजट में ये देता है। 9,000 वाला मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि अगर आपके पास बजट कम है तो यहाँ पर Xiaomi को डिच करके अगर आप जाते हैं 9,000 वाले Realme 1 के पास, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके पास एक ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए यार इस वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जिस दबाने से मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही साथ बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन जिस दबाने से होगा ये जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे और मिस भी मत करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।